आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत किरगी की। यहाँ के लोगों ने आवारा पशुओं से परेशान होकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आवारा घूमते जानवरों से तंग ग्रामीणों ने कांजी हाउस के अभाव वाली इस पंचायत के परिसर में ही जानवरों को एक एक कर बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ कांजी हाउस पहले कभी नहीं रहा, बस प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ अब अवैध कब्जे की जगह बन गया है। यहाँ के रहने वालों ने लगातार आवारा जानवरों द्वारा किए जाने वाले नुकसान से पंचायत सहित आला अधिकारियों को बताते रहे। आखिर परेशान होकर उन्हें विरोध का अनोखा प्रदर्शन कर पंचायत भवन परिसर में ही कांजी हाउस की तर्ज पर पालतू आवारा जानवरों को बंद कर दिया। आवारा पालतू जानवर बेलगाम हो सड़कों पर बैठे रहते हैं, ग्रामीणों की फसलें चट कर जाते हैं, तो वहीं सब्जी किराना व्यवसायी की दुकानों पर हमला कर नुकसान पहुंचाते हैं। आए दिन होने वाली परेशानी से प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी जब बात नहीं बनती दिखी तो ग्रामीणों ने पंचायत भवन परिसर में इन जानवरों को बंद कर अपना गुस्सा निकाला। जिला कलेक्टर सोनिया मीना ने 2 अगस्त को जिले के सभी जनपद सीओ को आदेशित किया था कि ग्राम पंचायतों द्वारा बुनियादी कर आवारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाएगी, जो महज दिखावा ही बना रहा। आज भी जानवर बेलगाम सभी जगह आसानी से दिखाई दे रहे हैं, तभी तो किरगी पंचायत के ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यालय की ग्राम पंचायत का ये हाल है, तब अन्य जगह हालत कैसे होंगे? शायद यही वजह रही कि ग्राम पंचायत हाय हाय की नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने पंचायत भवन को ही सांकेतिक गौशाला बना डाला। अनूपपुर से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गोलू। क्या समस्या है आपको? आज आप लोगों ने गाय को ग्राम पंचायत में ला के अंदर किया हुआ है। समस्या यह है भैया कि यहाँ जो कानी हाउस था वो तो सरपंच सेक्रेटरी दे दी है किराए से, और हम सभी ग्रामवासी बहुत परेशान हैं इससे। और रोड का रोड में बैठते हैं गाय पूरे, उससे दुर्घटना का कारण बना रहता है, और ये सारे गाय जाके फसल खाते हैं। आज किसान क्या है कि वैसे कोरोना से पीड़ित है, और ये आवारा पशुओं से तो और ज़्यादा पीड़ित हो गया है अपने यहाँ। आपको पता है जिला कलेक्टर ने आदेश दे रखा है कि जो भी पशु रोड पर बैठे मिलेंगे उस ग्राम पंचायत को संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पता है भैया हम लोग कई बार कई बार भी हम लोग इनको बोले हैं सरपंच सेक्रेटरी को कि हमारा कानी हाउस खाली कराओ, पर ये इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और हम इन गायों को अगर घर में बांधते हैं खेत में पा जाते हैं तो जो इनके मालिक हैं वो हमसे लड़ाई करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या चाहते हैं? परेशानी यही भैया, हम खेती करते हैं दिन रात बराबर करके, एक दो दिन में जाके सब फसल नुकसान कर देते हैं। हम ये बताइए कहाँ से पाएंगे भाई, उतना तो हमारे पास धंधा पानी भी नहीं है कि हम खा पी सके। सब खेती के विषय से ही सब जी रहे हैं परिवार पूरा। जैसे आप लोगों ने आज ग्राम पंचायत के अंदर गायों को किया है, तो यहाँ पर भी तो पौधे जो लगे हैं उसको गाय खा रही हैं, तो भाई ये सब सूचित किया जाए। जो मवेशी वाले हैं अपना बांध के रखे हैं, तो हम भी तो रखे हैं मवेशी, तो अपना बांध के चरवा ही देते हैं उनका पैसा दाम सब कुछ। क्या नाम है आपका? कौशल सिंह माथुर। मार्को जी, आप लोगों ने जो गाय आज ग्राम पंचायत के अंदर की है, यहाँ सारे फल फूल बगिया का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसानी का कारण होता है भैया। जब आज ग्राम पंचायत का कुछ चीज़ नुकसान करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि नुकसान क्या होता है। ऐसे हमारे धान और जो भी फसल होते हैं उनको इसी तरह नुकसान करते हैं। नाराज ग्रामीणों द्वारा आवारा पशुओं को आज पंचायत भवन में बंद किया गया और उनकी कुछ मांगे थी, इसको लेकर आपका क्या कहना? ग्राम पंचायत किनगी द्वारा कई बार मुनादी कराया गया है, जिसमें मवेशी आवारा मवेशी मालिकों द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि मवेशियों में रोड में जो बैठ रहे हैं जिससे घटना दुर्घटना हो रहा है, वो कोई भी ऐसा लगाम नहीं हो रहा है। और वरिष्ठ सभी कार्यालयों में हमारे ग्राम पंचायत द्वारा सूचित कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी है, और जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदयों का दिशा निर्देश जो रहेगा उसके तहत हम ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही करेंगे।